आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज। अब मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक के बारे में जानेंगे। टॉपिक होगा आज का हमारा, आज का टॉपिक है एक दूसरे से संपर्क में रखे एक दूसरे से संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। यह हमारा टॉपिक क्या है? एक दूसरे से संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। तो हम लोग दो लेंस लेंगे, ये हमारा दो लेंस है, एक हमारा ये उत्तल लेंस और ये हमारा दूसरा उत्तल लेंस है। ये लेंस हमारा L1, ये L2, ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में है। ये दोनों लेंस क्या है? एक दूसरे के संपर्क में है। दोनों लेंस की फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 है। लेंस L1 की फोकस दूरी F1 और लेंस L2 की फोकस दूरी F2 है। इसके प्रधान अक्ष पर O कोई वस्तु है जिसका लेंस L1 के कारण, जिसका लेंस L1 के कारण कहां बनता है? प्रतिबिंब हमारा I' पर बनता है। और लेंस L2 की उपस्थिति के कारण उसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। क्या कह रहा हमारा कि दो लेंस L1 और L2 है जो एक दूसरे से संपर्क में रखे हैं, इसके प्रधान अक्ष पर O कोई वस्तु है जिसका लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब I' पर बनता है और लेंस L2 के कारण क्योंकि ये संपर्क में है तो इसका अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? I पर बनता है। यहां से यहां की जो दूरी होगी हमारा, ये वस्तु दूरी को हम लोग U, ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है L2 लेंस के लिए, इसको भी डैश, और ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब इसे भी। अब कह रहा है कि L2 लेंस के लिए, इसके लिए L2 लेंस के लिए, L2 नहीं पहले, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, L1 लेंस के लिए हमारा लेंस सूत्र होगा 1/V' - 1/U = 1/F1। चूंकि यहां से यहां हमारा U है और यहां से जो यहां हमारा इस L1 के लिए हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो I' पर बनता है। इसी प्रकार L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए लेंस सूत्र से L2 लेंस के लिए लंबे तो हमारा ये वस्तु का काम करेगा और अंतिम प्रतिबिंब हमारा भी पर बनेगा। तो
एक बटे भी माइनस एक बटे भी डैश बराबर एक बटे एफ टू। ये हमारा समीकरण दो होगा, इसे नोट करें। अब हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या होगा हमारा समीकरण एक, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग जोड़ रहे हैं। समीकरण एक था हमारा एक बटे भी डैश माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ वन, और समीकरण दो था हमारा एक बटे भी माइनस एक बटे भी डैश बराबर एक बटे एफ टू, एक बटे एफ टू। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक बटे भी डैश हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ वन प्लस एक बटे एफ टू। इसको एक बटे एफ वन प्लस एक बटे एफ टू, चूंकि हम लोग समीकरण एक और दो को जोड़ रहे हैं और लेंथ सूत्र होता है हमारा एक बटे भी माइनस एक बटे यू एक बटे एफ, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक बटे एफ बराबर एक बटे एफ वन प्लस एक बटे एफ टू। चूंकि हमारा जो लेंथ सूत्र होता है एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, तो एक बटे भी माइनस एक बटे यू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक बटे एफ। ये जो हमारा है कहता है कि दो लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है इसके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए हमारा क्या निकलेगा, एक बटे एफ बराबर एक बटे एफ वन प्लस एक बटे एफ टू। चाहे तो इसे और आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर इसे हम लोग एफ का मान निकालेंगे तो एक बटे एफ बराबर एल सी एम लेंगे हम लोग एफ वन इंटू एफ टू, ये हो जाएगा हमारा एफ टू प्लस एफ वन, एक बटे एफ बराबर एफ वन प्लस एफ टू बटे एफ वन एफ टू। अगर इससे हम लोग एफ का वैल्यू निकाले, एफ बराबर हमारा जाएगा ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो एफ वन एफ टू बटे में एफ वन प्लस एफ टू। यहां तक भी हम लोग इसको ला सकते हैं, क्योंकि यही पर छोड़ देंगे हम लोग। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो लेंस यदि एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसके लिए हमारा एफ इजकल टू एफ वन इंटू एफ टू बटे एफ वन प्लस एफ टू। ये जो है क्वेश्चन हमारा, जो ये टॉपिक है, ये 2022 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए इसकी संभावना 24 में ज्यादा से ज्यादा बनती है। इसे देख जाएंगे, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।